इतना ड्रामा चल रहा होगा रात में, तो मैं अभी उन सब चीज़ों के मूड में नहीं हूँ। बिना वजह नेचर से पंगे लेने की मेरी आदत नहीं है, तो भाई को बताना पड़ रहा है कि मैं असली हूँ, असली पप्पू ढाबा मैं हूँ। भाई ये लोग चलते फिरते यमराज है, बच के रहा करो इन लोगों से। भाई एक दिन इसमें ट्रैवल करना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ फ्रेश तो दिख नहीं रही है, तो ये लोग बासी वगैरह खाना तो नहीं रखते होंगे। ये सोना था मेरे को यहाँ पे, अपना टेंट लगा के सो सकता हूँ, रात में सुबह निकल जाऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो भाई आप लोग? व्लॉग के थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, बट अभी मैं बिल्कुल भी क्लूलेस हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना तो पता है कि मुझे कहाँ तक जाना था, बट आज मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पे स्टे करूँगा। तो मुझे तो वैसे ग्वालियर जाना है अभी, आप आगे मुझे नहीं लगता कि शायद आज मैं ग्वालियर पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 8 बज जाएंगे और वहाँ पे जाने को तो मैं चला जाऊँ, 8 बज जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट ना वहाँ पे मुझे कोई बजट में होटल नहीं मिला है, जो भी है वो 700, 800, 900, 1000 के ऊपर जा रहा है, और जो बजट में दिखे 250, 300 के आसपास, उनके रिव्यू अच्छे नहीं थे। तो मुझे लगा कि फिर क्यों बिना वजह ऐसे होटल में जाकर के अपने पैसे फंसाना, क्योंकि लंबा मैं रुकने वाला हूँ। आई थिंक 4 या 5 डेज में ग्वालियर में स्टे करने वाला हूँ, और पेमेंट भी मुझे पहले करनी पड़ रही है। तो मुझे था कि भाई ये सब मुझे नहीं करना है, अगर पेमेंट नहीं होती तो पहले मैं जाके देखता और पसंद नहीं आता तो कैंसिल कर देता, बट क्योंकि पेमेंट पहले करनी है तो फिर वो फंस जाएगा और ना ड्रामा चल रहा होगा रात में, तो मैं अभी उन सब चीज़ों के मूड में नहीं हूँ। तो कैंपिंग तो मैंने भाई बहुत कर रखी है, आप जो भी लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि कितनी वाइल्ड कैंपिंग कर रखी है। जहाँ भी हुआ उसी जगह पे मैंने कैंपिंग कर दी, तो आज फिर मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, नहीं होगा तो किसी हाईवे पे लगा दूँगा, कहीं भी लगा दूँगा, बट आज मैं फुल मूड में हूँ कि मुझे कैंपिंग करनी है, क्योंकि खाने पीने का सामान ना मेरे पास बहुत है भाई, बहुत है, भर भर के है। मतलब मैं भूखा नहीं सोऊँगा, इतना खाना है मेरे पास। तो देखते हैं, फिलहाल तो मेरा टारगेट है आगरा पहुंच जाऊं, और आराम से पहुंच जाऊंगा 4-5 बजे तक। और राइड मैंने स्टार्ट की थी 1 बजे के आसपास, लेट स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी राइड में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इस वजह से थोड़ा सेफ गेम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है भाई, बिना वजह नेचर से पंगे लेने की मेरी आदत नहीं है। तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा आराम से निकलूँगा, ग्वालियर पहुँचना है तो कोई नहीं, कल पहुँच जाएंगे आज की बजाय, बट थोड़ा लेट निकलते हैं। और ये देखो सामने, अभी तो फ़िलहाल वाइड एंगल तो आपको दिखेगा नहीं, सामने ये आगरा का बोर्ड देखो दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। रास्ता तो बहुत सीधा है भाई, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है गाड़ी चलाने में। गौतम है भाई, पूरा साथ दे रहा है, मैं क्या बोलूँ, स्पीचलेस हूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। ओफो भाई कहाँ लेके जा रहे हो, ट्रैक्टर वाले भाई साहब। छोटा सा क्यूट सा बंदा था, पलट के देख रहा है कि भाई साहब चेस्ट में क्या लगा रखा है अपने। मज़ा आता है भाई जब कोई वियर्ड लुक दे रहा होता है ना, ये भाई को ज़्यादा लाइक इसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं हो गया है। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, और मैंने तो कपड़े भी ऐसे पहने हैं कि हल्के से भी अंदर हवा नहीं जा रही है, विंड चीटर भी डाला हुआ है तो बिल्कुल ही नहीं हवा जा रही है अंदर, फुल्ली पैक्ड हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, कई कई जगह तो नींद भी आ रही है भाई। पता नहीं यार, पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहा है नहीं, ये नीचे की तरफ इस साइड में आप देखोगे ना मेरे लेफ्ट साइड में, तो सरसों की खेती, ये देखो सरसों की खेती हो रखी है, और इतनी मास लेवल पे हो रखी है ना भाई, मतलब अल्टीमेट। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सरसों की, मतलब आई डोंट नो यार कि उस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस कर भी पा रहा हूँ या नहीं, बट बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग खुशबू, और
पता नहीं क्या, बस बहुत ही ज़्यादा ही प्लीजेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और यहाँ से अभी 115 या 110 किलोमीटर है आगरा, और 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से। बहुत आराम से चल रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड मेरी 55 है, बस इससे ऊपर नहीं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 60 टच कर रही है, बट 55 पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो 50 55 50 55 यही है। अभी तो मुझे एवरेज निकालना है। अच्छा, कल सर्विसिंग करा ली थी भाई, तो देखते हैं अभी कितना एवरेज मिलता है। उससे पहले तो 40 का एवरेज मिल रहा था प्लेन पे, पहाड़ों पे थोड़ा कम मिल रहा था, 35-30 के अराउंड, जैसी स्टीप चढ़ाई हो उसके अकॉर्डिंग। ओहो, ये तो पूरा भाई पूरी शरीर हिला दे रहा है। बचपना याद आ रहा है, देख रहे हो, राइड करते करते यही सब बीसी करने में तो मज़ा आ रहा होता है। ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ लेके जा रहा है यार। चलो ये तो अच्छा है कि बाइक वालों को इतना लिवरेज मिला है कि टोल पे हमें टोल का कुछ देना नहीं होता है। असली असली पप्पू ढाबा, यहाँ ऊपर एक बोर्ड लगा है असली पप्पू ढाबा, पता नहीं आपको दिखा है नहीं, मुझे लगता है इनके साथ भी कुछ स्टोरी हुई होगी। लोगों ने पप्पू के नाम पे, कोई फेमस बंदा रहा होगा उसी के नाम पे कई सारे इसी तरीके के होटल खोल दिए होंगे या रेस्टोरेंट ढाबा टाइप खोल दिया होगा, तो भाई को बताना पड़ रहा है कि मैं असली हूँ, असली पप्पू ढाबा मैं हूँ। अरे यार, मतलब अबे भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है बेवकूफ़। ऐसे ऐसे एड़े लोग होते हैं, आगे से जाके यू टर्न नहीं ले सकते, बट बैक करके इंडिकेटर दिखा के उनको कट मारना है दूसरी तरफ। मतलब भाई ये लोग चलते फिरते यमराज है, बच के रहा करो इन लोगों से। थोड़ी भूख लगी है भाई, तो ये खा रहा हूँ, डेट्स खा रहा हूँ भाई। एक दिन इसमें ट्रैवल करना है मुझे, इसमें देख रहे हो ना, थोड़ा खाने पीने के लिए रुका था, डेट्स खाया, और वो मूंगफली का होता है ना, बादाम पट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोग पता नहीं किस स्टेट से देख रहे हो मुझे, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं क्या नहीं। कुछ चीज़ें अपडेट करनी है आपको, तो वो भी बता देता हूँ। हाँ तो भाई, अपने रूट में थोड़ा सा चेंजेस किया है। अभी मैं आगरा नहीं जाऊँगा, आगरा बाईपास आएगा, यहाँ से 78 किलोमीटर है, वो बाईपास ले करके मैं ग्वालियर वाले रूट पे ही जाऊँगा, और इसी तरीके से कोई ढाबा, जैसे ये ढाबा दिख रहा है आपको इस तरीके से ढाबा, या कहीं पे भी ऐसी कोई प्लेस मिलेगी तो मैं परमिशन ले करके वहीं हाईवे पे ही कैंपिंग करने वाला हूँ। तो ये अभी मेरा कन्फर्म हो गया है, तो अभी देखते हैं आगे का सीन कैसा बनता है, क्या होता है, सारी चीज़ें मेरे फेवर में होती या नहीं होती है, तो देखते हैं भाई। प्रे करो आपकी सब कुछ बढ़िया ही हो, अच्छे से मेरी कैंपिंग हो, रात भी मेरी अच्छे से हो। ये भाई पता नहीं हम कौन सा एरिया क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पे कोई बोर्ड, एक मिनट ये दिखा, धौताना, ओके धौताना पुलिस स्टेशन था। पता नहीं आपको ऐसा वीडियो में दिख रहा है या नहीं, बट बहुत तगड़ा पॉल्यूशन है भाई, मतलब बहुत तगड़ा स्मेल में तो पूछो नहीं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की, जैसे प्लास्टिक रबड़ इस टाइप की चीज़ें जल रही है, उसका धुआं है या पता नहीं क्या है भाई, बट भयंकर पॉल्यूशन है, भयंकर पॉल्यूशन। ये भाई वृंदावन देख लो, बिल्कुल सीधे जाएंगे 1 किलोमीटर गोवर्धन के लिए, लेफ्ट गए तो आई थिंक 1 किलोमीटर वो भी है, तो हमें तो जाना नहीं है वृंदावन, आगरा बाईपास लेकर के निकल जाना है। भाई अच्छी खासी ठंड हो रही है, अब हवा चल रही है ना, तो अब मेरे हाथों में तो ये वाले प्रो बाइकर के ग्लव्स हैं, तो इसमें तो हवा क्या ही रुकनी है, अच्छा खासा वेंटिलेशन हो रहा है, हवा हाथों में लग रही है, तो फील हो रहा है कि हाँ अभी ठंड धीरे धीरे हो रही है। बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है।
सनसेट कहीं का भी हो भाई प्यारा ही होता है, पता नहीं क्यों मज़ा आता है देखने में। देखो शायद दिख रहा होगा सनसेट, देखो आप दिखा क्या? चल ले भाई क्या कर रहे हैं, नीचे हमारे मथुरा सिटी है, मतलब पूरी मथुरा नगरी दिख रही है मुझे। अब हमें तो भाई जाना है नहीं, तो हम तो ऊपर से ही निकल रहे हैं, दूर दूर से ही दर्शन कर ले रहे हैं मथुरा के। हाँ जी भाई, अच्छी खासी रात हो गई है और बाईपास वगैरह भी मैंने क्रॉस कर लिया है, आगरा बाईपास। अभी टाइम हो रहा है 6:58, 8 बजे तक सोच रहा हूँ मैं राइड करूँगा, क्योंकि अभी से कहीं पर टेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास नींद नहीं आ रही है, पहले आ रही थी बट अभी राइड करने में मज़ा आ रहा है। तो सोच रहा हूँ 8 बजे, 8:30 या मैक्सिमम 9 बजे, उसके बाद फिर मैं नहीं राइड करूँगा, फिर उसके बाद देखूँगा जहाँ भी ठीक ठाक जगह है, जहाँ पे मेरा इंट्यूशन ठीक ठाक रहेगा कैंपिंग को लेकर के, फिर मैं वहीं पे अपने टेंट को पिच करूँगा। बाकी भाई आप लोग की ब्लेसिंग है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, बजरंग बली बुद्धा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये रहा सामने एक ढाबा है जहाँ पे ट्रक वाले खाना वाना खा रहे हैं, तो मे भी यहाँ पे सस्ता भी होगा और ठीक ठाक खाना भी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ फ्रेश तो दिख नहीं रही है, तो ये लोग बासी वगैरह खाना तो नहीं रखते होंगे। तो यहाँ चलता हूँ, थोड़ा पूछता हूँ कि खाने का क्या है क्या नहीं, और बस फिर टाइम कितना हो रहा है, 7:36 हो रहा है, 8 बजे तक राइड करूँगा, खा के फिर चलते हैं भाई, टेंट वेंट लगा के सोते हैं। क्या है भैया, क्या है खाने में? नहीं नहीं खाना है क्या है? सब्जी है, दो चार मक्खन है, 70 रुपये थाली, एक थाली कर दो। बहुत गजब का टेस्ट है भाई। नमस्ते, ये सोना था मेरे को यहाँ पे, अपना टेंट लगा के सो सकता हूँ, रात में सुबह निकल जाऊँगा। जाना कहाँ है? मैं तो ग्वालियर जा रहा था। अच्छा। हाँ बट अब रात हो जाएगी, तो रात में सोच रहा हूँ अब क्या ड्राइव करना। रात में चलना तो कर ना, हाँ ट्रक व्रक भी फिर ना, तो इसी वजह से वही बस सोना ही सोना है मेरे को, बस सोना ही सोना है, सुबह मैं निकल जाऊँगा 6 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस मैं आता हूं यहां पे। पूरी रात रहोगे आप? अच्छा मेरी। अच्छा 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 यहाँ पे लगा लो टेंट। हाँ। इसमें मिट्टी है ये? हाँ ठीक है लगा देता हूँ। हाँ हाँ बस इसी में लगा देता हूँ। हाँ हाँ बस हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। तो हाँ भाई, फाइनली अपने मैं टेंट में हूँ, और कैसा लगा अभी तक का आपको ब्लॉग? अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो अभी हाईवे पे, आपके लिए हाईवे पे टेंट लगा दिया है भाई, मतलब अंकल भी कह रहे हैं कि भाई अकेले तू एक तो घूम रहा है, फिर हाईवे पे टेंट लगा रहा है, रूम लेके रहना चाहिए था। अब अंकल को कौन समझाए ना कि आपका भाई पागल है, वो ऐसे ही ट्रैवल करना पसंद करता है एज अ मिनिमलिस्ट। सो कोशिश मेरी यही है कि एज अ मिनिमलिस्ट ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करूँ, कम से कम पैसों में और कम से कम रिसोर्सेस को यूज़ करके, मीन्स होम स्टेज, होटल, हॉस्टल्स ना, इस टाइप की चीज़ें। एटलीस्ट इस चीज़ को तो मैं कट डाउन कर ही सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई होम, टेंट मेरा होम ही है, तो साथ ही लेके चल रहा हूँ, तो भाई इसको यूज़ ही कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, लिटरली चेहरे से मेरे लग ही रहा होगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं जहाँ सो भी रहा हूँ ना, वो मतलब बेड पे भी सोने में उतना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ की जो ग्रास है ना, वो बहुत फ्लफ़ी है, बहुत फ्लफ़ी है, और मेरा जो स्लीपिंग बैग है ये भी थोड़ा फ्लफ़ी है,
सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक मुझे लिटरली ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कहीं टेंट लगा के सो रहा हूँ और ना अनकंफर्टेबल हूँ। नहीं भाई, बहुत कंफर्टेबल, बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ यार, ये बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है ना, थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि नेशनल हाईवे है मुंबई और आगरा का, तो थोड़ा सा ये गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। 4 days या 5 days मैं ग्वालियर में रुकूंगा और आसपास की चीज़ें जो भी है मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं होमस्टे होटल में नहीं रहना चाहता हूं। वहां पे एक गुरुद्वारा मैंने देखा, तो उस गुरुद्वारे में जा कर के मैं पूछूंगा, अगर रूम की फैसिलिटीज़ होगी तो वहां पे जा कर के फिर देखते हैं। मुझे और रूम सिर्फ इसी वजह से चाहिए कि अपने जो 2 बड़े बड़े बैग हैं, लैपटॉप बैग हैं, इन सबको थोड़ा सेफ़ रख दूँ और मैं सिर्फ व्लॉगिंग करूँ और ना थोड़ा सा चिल करूँ, घूमूँ फिरूँ अच्छे से फ्रीली। सो इस चीज़ के लिए देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ें देखते हैं आगे कितना सक्सेसफुल होता है। बस भाई, और तो कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा प्यार थोड़ा और करो यार, मुझे और प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़े से समझ रहे हो ना, चैनल थोड़ा और ग्रो करने की ज़रूरत है, जिससे मैं और अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँ और फ्रीली माइंड ट्रैवल कर पाऊँ, नॉट फाइनेंशियल वाइज बट थोड़ा सा टाइम वाइज। मुझे भी थोड़ा मज़ा आएगा ना कि हाँ ठीक है, जो भी मैं शूट कर रहा हूँ, जो व्लॉग बना के दिखा रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, कल फिर मिलता हूँ ऐसे एक नए व्लॉग में नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, पीस आउट।